लीबिया के पश्चिमी शहर जुवारा के तट पर 100 से ज्यादा शरणार्थियों के शव मिले हैं। ये शव अफ्रीकी प्रवासियों के हैं जो नाव में सवार होकर यूरोप जा रहे थे, लेकिन इनकी नाव भूमध्य सागर में डूब गई। शुक्रवार को लीबियाई नौसेना के प्रवक्ता कर्नल अयूब ने बताया कि सभी शव लीबिया के पश्चिमी शहर जुवारा के करीब समुद्र से निकाले गए। वहीं दूसरी ओर समुद्र में बड़े पैमाने पर चलाए गए खोज एवं बचाव अभियान में 340 लोगों को बचाया गया और 9 शव निकाले गए। लीबिया के तटरक्षकों को पलटी हुई नाव गुरुवार को मिली थी। हालांकि नाव में कितने लोग सवार थे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संस्था के मुताबिक क्रीट के निकट पलटी नाव में कम से कम 700 शरणार्थी सवार थे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शरणार्थियों को लेकर यूरोप के विभिन्न देशों की तरफ जा रही नावों के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 800 लोग मारे जा चुके हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।